हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू डेट में। तो फाइनली अभी अभी जेके बीओएससी क्लास 10th और 12th का रिजल्ट फाइनली जारी कर दिया गया। तो किस प्रकार से रिजल्ट को चेक कीजिएगा, कहां से रिजल्ट को चेक करना, साथ ही आप लोग को कहां पर डायरेक्ट लिंक मिलेगा जहां से आप लोग इजली एक क्लिक में रिजल्ट को चेक कर पाएगा। और आप लोग को बिल्कुल डायरेक्ट लिंक से रिजल्ट चेक करके बताने वाले और लाइव प्रूफ यहाँ पर रिजल्ट चेक करके बताएंगे। सो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, तभी आप लोग का रिजल्ट यहाँ पर चेक होगा। तो रिजल्ट को सबसे पहले चेक करने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप में कोई से भी ब्राउजर को ओपन कर देना। यहाँ पर हमने गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया है। ब्राउजर ओपन होने के बाद आप लोग को हिंदुस्तान जॉब्स नेट लिखना है, HINDUSTAN हिंदुस्तान JOBS जॉब्स नेट नेट लेकर आपको सर्च करना है। जैसे आप हिंदुस्तान जॉब्स नेट लेकर सर्च करते हैं, जो फर्स्ट में आपको लिंक देखेगा hindustanjobs.net, आपको इस पर क्लिक कर देना और उसको ओपन करना है। ओपन करेगा इस तरह से यहाँ पर साइट ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको लेटेस्ट रिजल्ट के सेक्शंस में देखने को मिल जाएगा, जेके बीओएससी 10th या 12th रिजल्ट 2024। तो आप लोग को इस पर क्लिक करना है और उसको लिंक को ओपन करना है। ओपन करेगा ऐसा इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा नीचे आना, जैसे नीचे आएंगे तो आप लोग यहाँ पर पूरा डिटेल्स दे दिया गया। तो चाहे तो यहाँ से डिटेल्स को रीड भी कर सकते हैं। डायरेक्ट नीचे आना, जैसे नीचे आएंगे तो रिजल्ट चेक करने का जो डायरेक्ट लिंक होगा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो डायरेक्ट नीचे जाना, जैसे नीचे आएंगे तो रिजल्ट चेक करने का जो डायरेक्ट लिंक होगा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो देख लीजिए, यहाँ पर क्लास 10th रिजल्ट लिखा और इसके आगे आपको क्लिकर का ऑप्शन दिया गया। क्लास 12th रिजल्ट लिखा और इसके आगे आपको क्लिकर का ऑप्शन दिया गया। तो आप जिस भी क्लास का रिजल्ट चेक करना चाहते हैं उसके आगे जो क्लिकर का ऑप्शन दिया गया कि आपको क्या करना है कि आपको उसी क्लिकर का ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। कैसे क्लिक करेगा, इस तरह से जो ऑफिशियली साइट होगा यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो रिजल्ट को चेक करने के लिए सिंपली से आपका जो भी रोल नंबर है इसमें अपना रोल नंबर को फिल करना। रोल नंबर फिल करने के बाद आप लोग यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल कर देना। सभी डिटेल्स आप लोग को एडमिट कार्ड पर देखने को मिल जाएगा। साथ ही आप लोग यहाँ पर जो कैप्चा कोड शो हो रहा है तो आप लोग यहाँ पर कैप्चा कोड को इसमें सेम टू सेम फिल करना। फिल करने के बाद नीचे आएंगे तो आपको सबमिट का ऑप्शन दिखेगा और इसे सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक करना और यहाँ से रिजल्ट को डाउनलोड कर लेना, चेक कर लेना। हमारे पास किसी का भी डिटेल्स उपलब्ध नहीं है, नहीं तो आप लोग यहाँ पर लाइव प्रूफ रिजल्ट चेक करके देते हैं। तो जाइए रिजल्ट को चेक कर लीजिए और ऐसे ही अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।